तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ बोला नहीं मैंने, क्योंकि तबीयत कल थोड़ी अपनी बिगड़ गई थी और आज भी अपना गला बैठ गया है थोड़ा, तो आवाज़ ठीक से नहीं आ पाएगा। तो ये जो चारा है जाली के अंदर डाला, ये अपना मकई का है और ये थोड़ा सूखा है तो इसको जाली के अंदर डाल दिया। और ये जो बाहर डाला है ये बाजरे का है, तो थोड़ा गीली थी बाजरी तो इसमें थोड़ा चारा गीला है, तो ये अगर डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो जाली के अंदर हल्का हल्का डाल दिया मकई का, इसको बाहर डाला है। तो अभी कल 6 जो गंजे थे उसकी कुट्टी हो गई, आज 3 बाकी है तो वो भी हो जाएंगे। और ये जो बाहर रखा है इसको फैलाना पड़ेगा, इसको सुखा के फिर अंदर भरेंगे जाली में, तो इसको बाहर डाल देना पड़ा। और अपने ट्रैक्टर हो गए रेडी, तो ट्रैक्टर चला गया अपना, अभी कुट्टी मशीन भी चालू करेंगे। तो ये चारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अपनी गायों का सुबह का हरा चारा खाना चालू है, बाकी कुछ गाय आराम कर रही है। ये अपने पड़ोसी का ट्रैक्टर जिनको अपनी गाय दी है, और ये ट्रैक्टर कल हम ट्रॉली और ट्रैक्टर दोनों साथ में लेके आए थे उनके, तो ट्रैक्टर है उनका धक्के पे चालू होता है, तो इसको हमने साइड खड़ा कर दिया, अपने को इसकी ज़रूरत नहीं। अगर ये ले जाएंगे तो अपने को बार बार धक्का दे के चालू करना पड़े, तो उसको साइड में रखा है। हारती गुड़िया विक्रम तीनों को सुबह का है सूखा चारा, इनको कल सुबह में हरा दिया था, आज सुबह में सूखा दे दिया है, तो एक सूखा इन्होंने खा भी लिया। सामने है कपिला और ये तीनों बड़े, इनको भी सुबह में सूखा चारा दिए। ट्रैक्टर आ चुका है उनका, सुखाते शुरुआत कुट्टी करने। तो भाई अभी कुट्टी मशीन हो गया है चालू, दादाजी कुट्टी मशीन पे खड़े हैं और मेरा आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगा क्योंकि मशीन का आवाज़ बहुत ज़्यादा है। दादाजी फावड़ा मांग रहे हैं, विक्रम आरती और गुड़िया तीनों का चारा सूखा अभी तक बहुत सारा बचा हुआ है और उन्होंने बहुत सारा खा भी लिया है। अभी इनको पानी पिलाएंगे दोपहर को, अभी सुबह के 10 बज रहे तो 12 12:30 1 बजे तक हम इनको पानी पिलाएंगे। कपिला भी इन्हीं के पास बैठी है और कपिला पे कुछ दिन अच्छी कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल मम्मी जी ने शाम के टाइम 3 भेड़िया देखे थे अपने खेत के पास से ही गए, और आज सुबह जैसे हम फार्म पे आए सुबह में हमने भी 2 भेड़िया देखे हैं। तो अगर इस पर थोड़ी नज़र रखेंगे तो अच्छा है, या फिर सेप्टर में बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये खुली रहती है और फार्म से ज़्यादा दूरी तक ये अकेली भी चली जाती है। कल मेरे साथ भी वो गाय चराने के लिए बहुत दूरी तक आई थी, वहाँ से अकेली रिटर्न आई फार्म पे। अगर इससे ज़्यादा दूरी तक हमारे साथ आएगी तब कुछ होगा नहीं, जब अकेली वापस आती है फार्म पे उस टाइम भेड़िया उसको कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो भेड़ चराने वाले होते हैं लोग उनके पीछे आसपास में भेड़िया रहती ही है। तो हमें कल भी दिखे थे आज भी दिखे सुबह में, थोड़ी नज़र रखनी है। और अपनी गायों का भी चारा खाना हो गया है हरा वाला, अभी इनको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं और कुछ दूसरे कामों की भी यहाँ पे अंदर कोई ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ हमें उस वाले फार्म की गाय चराने जाना है, पिताजी और चाचा जी कुट्टी मशीन वालों के पास है, अभी वो ट्रैक्टर भर के लाएंगे यहाँ पे खाली करेंगे। हम अपनी उस वाली फार्म की गाय छोड़ देते हैं और चराने के लिए जाते हैं। Thank you.
उस वाले फार्म के शैतानों को लेके आ चुके हम चराने के लिए। और सामने देखो यहाँ से बहुत दूरी पे है ट्रैक्टर अपने, जहाँ चारे की हो रही कुट्टी, और हम इनको संभालने का काम करेंगे। इस वाले खेत में कल कुट्टी की थी और वो कल की कल उठा भी रही थी यहाँ से, तो यहाँ पे जो चारा नीचे पड़ा है वो वाला खा रहे, यहाँ पे था और एक वहाँ पे था, तो दोनों जगह अब चराना है इनको। और ये वाला खेत कल इसमें हल चलाने के काम चालू कर देने, ट्रैक्टर से जुताई करनी है, तो आज के आज ये वाले खेत हमें खाली करना है। विक्रम, आरती, गुड़िया इन तीनों को पानी पिला दिया है, पानी पिलाने के बाद सूखा चारा दूसरा और दे दिया है उनको, तो तीनों खा रहे हैं। कपिला इस साइड में जाके बैठी है, ये देखो यहाँ पे उसको आप दिक्कत नहीं हो रही, आराम से बैठी हो। तीनों का भी काम हो गया, उन तीनों को भी पानी पिला दिया है, चारा उनका सुबह का बहुत सारा बचा हुआ था तो उनको नए से चारा नहीं दिया। इस साइड में है सामने अपने ट्रैक्टर खड़ा है, और जिनका हम ट्रैक्टर मांग के लाए थे, ट्रैक्टर तो हमने यूज किया नहीं, ट्रॉली की सिर्फ, तो वो अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को भी ले गए, तो उनका ट्रैक्टर धक्का है तो अपना ट्रैक्टर भी वो साथ ले गए, उनका भी चारा है वो कुट्टी करके वो उनके यहाँ ले जा रहे हैं, तो अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली सामने उनको दिया है। अपना चारे का काम हो गया है पूरा, चारे की कुट्टी भी कर ली पूरी, अभी उसको सिर्फ थोड़ा फैला के सुखाना पड़ेगा, थोड़ा गीला चारा है तो वो अंदर अगर ऐसे ही भर देंगे पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इसको थोड़ा फैला देंगे। पूरा काम चारे का हो गया है, फार्म के अंदर सुबह की सफाई हुई है, अभी दोपहर को भी थोड़ा गोबर है वो उठा लेते हैं, फिर अपने वापस से उस वाली फार्म की गाय चराने के लिए जाना पड़ेगा। अभी उनको सबको बंद किया है पानी पिला के, थोड़ी देर में उनको फिर से खोलते हैं, वो वाला खेत आज के आज खाली हो जाएगा। उस फार्म के सभी शैतान देखो एक लाइन से जा रहे हैं सभी के सभी, सामने अपना ट्रैक्टर जा रहा है, इसमें होगी चारे की कुट्टी, तो अभी चाची जी ले जा रहे हैं ट्रैक्टर डालने के लिए। इस साइड में जिसका हम मांग के लाए थे ट्रैक्टर उनका है, और वो अभी चारे कुट्टी के लिए लगा है। और अपने ट्रैक्टर के पीछे देखो ये जो काली गाय दिख रही है, ये अपनी गाय उनको दी थी जिनका हम ट्रैक्टर लाए थे, और अपना ट्रैक्टर जिनके आज गया है उन्हीं को, अपनी ही गाय है, तो ये उसको देख के एक चला गया उधर, सभी फटाफट इनको लाइन पर लगाते और चलते हैं। पिताजी सामने बैल ले गए हैं, वो भी बांध का चारा भर के ला रहे हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, और इन सबको लेके वापस जा रहे हैं फार्म पे, इनको बंद करना है, बाकी फार्म पे भी काम है वो सारे भी करने हैं। तो अपना चंपू आज सुबह फार्म पे नहीं था, और इतना भूखा हो गया कि इसको मकई का आटा खाना पड़ रहा है, तो मैंने उसको मकई का आटा डाल दिया तो खा रहा है,
और इतना खुराक निकाल ली है, उसमें ऊपर की साइड मकई का आटा है, नीचे है अपनी कपास की जो सरकी आती उसकी खुराक है वो। और ये सामने देखो थैली में रोटियां टंगी हुई है, तो इनको देनी है, लेकिन अभी टाइम है। तो अपने जो खाने के डब्बे हैं उनमें भी हमारा सुबह का जो खाना है वो बचा हुआ है, तो अभी वो भी इन्हीं को मिलने वाला है, लेकिन वो भी टाइम है, तो अभी इसको ये खाना पड़ रहा है, तो मैंने डाल दिया, क्योंकि सबको सबको एक समान खाना मिलता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी उसको बढ़ा के दे दिया। फार्म के अंदर चारा डाल दिया है, चाची जी गाय का दूध निकालने के लिए बैठ गए हैं, तो फटाफट हम भी निकालने के लिए जाते हैं दूध। और बांध का चारा अपनी गायों के लिए आज है, सुबह के लिए हरा चारा काट के रखा है, ये अपना सूखा चारा। तो अभी स्टॉक सूखा चारे का बहुत सारा हो गया, तो ये 10 महीने इस वाले फार्म की गायों के लिए हो जाएगा, और उस वाले फार्म के लिए अभी तक खेतों में चारा है, तो ख़त्म होने के बाद इसमें से थोड़ा दे दिया जाएगा। तो सभी शैतानों को सेफ्टी रूम में कर दिया है बंद, वो इन सबके लिए भी बांध का चारा है, और पानी भर के रख दिया है उनके लिए, रात को पी लेंगे। अपनी गायों को भी खोल दिया है, और सभी गाय खा रही है अभी बांध का चारा, सभी के लिए यहीं पे। और आज किसी उस साइड में चारा डाला नहीं, सभी चारा है जो बाहर में डाल दिया, तो बाहर में इनको चारा खाना है। डॉग को भी खाना देना बाकी, उनको भी देते हैं और निकलते हैं घर के लिए। थोड़ा अंधेरा हो गया है, देखो ये अपनी गाय की आँख चमक रही है लाइट से, सभी चलते हैं घर के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।